जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ चलाए जा रहे पोस्टर अभियान पर मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया और कहा कि विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने रिश्वत देकर अपना नाम शिक्षक सम्मान समारोह में लिखवा दिया, लेकिन जब हमें पता चला कि ये निष्क्रिय लोग हैं तो हमने नाम कटवा दिया। साथ ही कहा कि ये लोग वेतन लेने के बाद भी पढ़ाते नहीं हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ ने शहर के प्रमुख चौराहों और होर्डिंग्स पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए कई पोस्टर लगाए जिसमें मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा से मंत्री का विभाग बदलने की मांग की गई। देखो, ये वो लोग हैं जो पढ़ाने के नाम पर वेतन लेते पढ़ाते नहीं हैं। इन्होंने पता नहीं किसको पैसे देके, रिश्वत देके या गलती से या उनकी भूलवश शिक्षक सम्मान समारोह में उनका नाम लिखवा लिया, सम्मानित करो। हमने पता चला कि ये तो निकृष्ट लोग हैं, ये सम्मानित कैसे हो सकते हैं, हमने डिलीट कर दिया उनका नाम। ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या अंतर आता है? मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ शिक्षकों का पोस्टरवार और पोस्टरवार पर मंत्री मदन दिलावर का शिक्षकों पर पलटवार क्या गुल खिलाएगा ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा, लेकिन ये तो तय मानिए कि आने वाले वक्त के अंदर शिक्षक संघ और मंत्री के बीच के अंदर तनातनी देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन यश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।